हेलो एवरीवन, देव शमशाद हेयर। टुडे दिस मे बी द लास्ट लेक्चर फॉर 8085 माइक्रोप्रोसेसर। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट 8086। ओके, तो यहाँ से ये सिलेबस का 70% यानी माइक्रोप्रोसेसर का जो आपको सिलेबस पढ़ना है बीटेक में और डिप्लोमा में भी, उसका ये 70% सिलेबस इस लेक्चर के बाद कम्प्लीट हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो 8086 का बेसिक पढ़ना है, जिसका मैं 10% ऑलमोस्ट इसमें पढ़ना है। ओके, और कन्वर्टर के बारे में, ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर पढ़ना है, तो वो भी 10% कवर करता है ऑलमोस्ट। और रिमेनिंग 10% जो है वो माइक्रो कंट्रोलर कवर करता है, तो वो 30% रिमेनिंग हम लोग बाद में देखेंगे इस लेक्चर के बाद। और उसके बाद ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर के बाद आप समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर का 70% सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने सारे लेक्चर को अच्छे से देखा है तो बहुत ही हेल्प करने वाला आपको, और अगर आपने नहीं देखा तो मेरा सजेशन है कि पूरे लेक्चर को अच्छे से एक एक करके सीरियल वाइज वन बाय वन करके कंप्लीट देखिए, और उसके बाद आप देखिए माइक्रोप्रोसेसर आपको कैसे इजी लगने लगता है। ओके, तो देखिए लास्ट जो लेक्चर है आज, हम लोग आज इसमें हम लोग 2-3 इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बचा हुआ इंस्ट्रक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको किसी ग्रुप में नहीं बांट रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट हम इसको अलग से नाम दे दिया, अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के नाम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली एडवांस जितना ये प्रोग्रामिंग होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, उसमें ये दिखने को मिलेगा आपको। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसका नाम है डैड, अगला जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है डीए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेनली। ओके, तो इन दोनों में क्या क्या है, तो डैड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो हम लोग इससे पहले पढ़ा था ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था ऐड बी। इसका मतलब ये होता था कि ए और बी जो 8 बिट का रजिस्टर है, इन दोनों के कंटेंट को आपस में ऐड कीजिए और इसको ले जाकर एक्युमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। इसका मतलब ये होता था। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डैड, तो डैड और ऐड में क्या फ़र्क है, तो डैड ऐड जो है वो 8 बिट रजिस्टर को कंटेंट को ऐड करता था, 8 बिट के रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करता था, एक्युमुलेटर में स्टोर करता था। यहाँ क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, जो रजिस्टर पेयर आपको ऑपरेंड में दिया हुआ है उसके कंटेंट को, यानी उसमें जो भी स्टोर है उसको एचएल पेयर के कंटेंट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को आपस में ऐड करना है और ले जाए किसमें स्टोर कर देना है, एचएल पेयर में स्टोर कर देना है। इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है। डी से हो गया डबल और एडी से हो गया एडिशन, तो इसका नाम देते हैं डबल एडिशन। जबकि ऐड सिंपली क्या होता है, दो 8-bit नंबर या दो 8-bit डेटा जो होता है, यानी कि जो भी दो रजिस्टर है उसके कंटेंट को हम 8-bit, जनरली उसमें कौन सा कंटेंट होता है, 8-bit कंटेंट होता है, उसको आपस में ऐड करते हैं, एक्युमुलेटर में स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है, 16-bit होगा। जैसे आप देखिए HL जो है, HL हम मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए, HL में क्या स्टोर है, 1030। एक हेक्सा डेसिमल इंस्ट्रक्शन क्या है आपका स्टोर है, मान लीजिए ये क्या है, अभी हेक्सा डेसिमल क्या है, डेटा है। ओके, तो 16-bit का ये है। ये BC में क्या स्टोर है, 3040 स्टोर है। तो ये क्या है, ये भी एक रजिस्टर पेयर है, ये भी एक रजिस्टर पेयर है, दोनों में क्या है, 16-bit डेटा स्टोर है दोनों में। अब हम क्या कर रहे हैं, डैड बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डैड बी का मतलब ये होता है, डैड के अंदर बाय डिफॉल्ट एचएल होता है, यानी बाय डिफॉल्ट आपको किससे ऐड करना है, जैसे ऐड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्युमुलेटर होता है, और उसके आगे जो भी रजिस्टर रहता है उसके कंटेंट को एक्युमुलेटर के कंटेंट से ऐड करना है। तो डैड में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एचएल होता है, एचएल का कंटेंट पहले से होता है, और इसके बाद जो भी रजिस्टर पेयर रहता है, जैसे बी रहा तो मतलब बीसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे डी रहता तो मतलब डीई के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, यानी रजिस्टर पेयर होगा कोई ना कोई, उसके कंटेंट को ऐड करना होता है एचएल के साथ और ले आके स्टोर कर देना तो होता है एचएल में। तो यहाँ पे यही काम करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हमारे पास क्या दिखा, हम लोगों को दिखा कि एचएल में जो स्टोर है वो है 1030 और बीसी में क्या स्टोर है आपका, 3040 स्टोर है। हमने इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट किया, डैड बी का मतलब क्या हो गया, ये बी कहने का मतलब है बीसी, यानी बीसी के कंटेंट को एचएल के कंटेंट के साथ ऐड कीजिए, यानी एचएल प्लस बीसी कीजिए और जो आए उसको एचएल में स्टोर कीजिए। तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा, 1030 और 3040 को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 0704, यानी 4070 आएगा। इज इट करेक्ट, ओके, तो यहाँ आएगा 4070। तो यहाँ पे क्या, सिंपली ये किसके इसमें किस इस, इसको किसमें ले आके स्टोर करना है, एचएल में, तो यानी आपका एचएल का कंटेंट हो जाएगा 4070। जबकि बीसी का कंटेंट कोई चेंज नहीं होगा, बीसी में जो है वही रहेगा। तो ये हो गया आपका आउटपुट जब डैड बी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मान लीजिए डैड एच एग्जीक्यूट करना होता, यानी यहाँ इतने के बाद, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे लिखा रहता डैड एच, अगर एच रहता जैसे ये, तो इसका मतलब क्या होता है, एचएल को एचएल के साथ ऐड कीजिए, क्योंकि डैड के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा आपका रजिस्टर पेयर है, तो एचएल रजिस्टर पेयर बाय डिफॉल्ट डैड के अंदर है और एचएल बाहर में भी है, तो यानी एचएल को एचएल के साथ ऐड कीजिए। तो एचएल को एचएल के साथ ऐड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, 1030 1030, दो बार ऐड करते हैं तो हो जाता 2060, यही नहीं मिलता, और ये किस में स्टोर हो जाता है, एचएल में जाकर नया कंटेंट एचएल को जाता है 2060, तो आपका एचएल का आउटपुट रहता है ये। तो जब भी डैड इंस्ट्रक्शन कहीं देखेगा तो सिंपली आप समझ लीजिएगा कि डैड इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड में जो भी रजिस्टर पेयर दिया हुआ है, यानी जो भी नाम दिया हुआ बी डी, इसका मतलब है बीसी डी, यानी रजिस्टर पेयर के बारे में बोला जा रहा है, यानी इसमें क्या करना होगा, एक रजिस्टर पेयर जो ऑपरेंड में मेंशन है
उसके कंटेंट को किससे लेके किसके साथ ले आके ऐड करना होता है, एच एल पेयर के कंटेंट के साथ ले आके ऐड करना होता है, और फाइनली फिर क्या है उसका रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एच एल में। तो ये डैड का मतलब हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। डी ए देखिए ये एक अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से लोग बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं डैड और डी ए में, इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या किया है एक ही लेक्चर में कवर किया है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये दोनों अलग अलग है, एकदम एक फुल्ली अलग है, लेकिन लोग कन्फ्यूज होते हैं नाम से, डी ए हो गया डी ए डी हो गया तो कन्फ्यूज जाते हैं। इसका मतलब ये होता है डिसीमल एडजस्ट एकोमुलेटर, जबकि डैड का फुल फॉर्म क्या था, डबल एडिशन। ये डबल एडिशन का मतलब एच एल पेयर को क्या करते थे रजिस्टर पेयर के साथ ऐड करना था। यहाँ पे क्या है डिसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का मतलब ये हो गया कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट आएगा, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मान लिया एडिशन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपके एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट आया वो आया 6B, सपोज ये कंटेंट एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो गया, तो ये जब उसके बाद मान लीजिए इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया डी ए, डी ए का मतलब हो गया एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसको देखिए, अगर वो 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा मतलब 10 या 10 से लेकर 15 के बीच में कुछ भी अगर है तो उसको क्या कीजिए बी सी डी में, यानी इसका मतलब ही होता है कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको 2 byte बी सी डी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, 2 byte बी सी डी नंबर में, यानी पहला बाइट ये है दूसरा बाइट ये है, दोनों को बी सी डी में कन्वर्ट कर दीजिए, ये इसका काम खत्म। यानी जहाँ भी डी ए आया आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किस में कन्वर्ट करना है, बी सी डी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बी सी डी में कहाँ से कहाँ तक नंबर वैरी करता है, तो मालूम है कि बी सी डी में जो वैरी करता है वो 0 से लेकर 9 तक नंबर वैरी करता है। यानी अगर ए आ गया तो क्या करेंगे, ए तो 10 है, ए बी सी डी ये सब अगर आ गया यानी 9 से ज़्यादा वाला आ गया तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बी सी डी में चेंज करेंगे। तो मालूम है कि बी सी डी में चेंज करना होता है अगर 10 से ज़्यादा वाले को, यानी 10 या 10 से बड़ा कोई भी नंबर आता है उसको बी सी डी में चेंज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें +6 ऐड करते हैं, +6 ऐड करते हैं वो बी सी डी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए बी है, बी में आप +6 ऐड कीजिएगा तो ये बी का मतलब कितना होगा 11, और 11 में 6 ऐड कीजिएगा कितना होगा 17, 17 क्या हो जाएगा आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है सब 17 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा क्योंकि 16 पे क्या होता है 0 हो जाता है, मालूम है हासिल कितना हो जाएगा यानी कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो ये हो जाएगा बी सी डी का पहला बाइट। तो उसी तरह से हमको क्या कन्वर्ट करना है, अभी मान लीजिए सपोज हम लिखे हुए हैं क्या कि एक्यूमुलेटर में जो है वो कितना स्टोर है 6B स्टोर है। ओके एक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर है मेरा 6B स्टोर है, तो और मैंने क्या किया उसके बाद डी ए जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन था यानी एक्यूमुलेटर में जो स्टोर था 6B था, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया डी ए आया, तो ये क्या करेगा देखेगा कि इसमें दोनों में से इन दोनों बाइट में से कौन आपका 9 से ज़्यादा है, अगर 9 से अगर कोई बड़ा है तो उसमें क्या करेगा 6 ऐड कर देगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है बी जो है 9 से बड़ा है, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 11 होता है, तो 9 से बड़ा हो गया ना, इसमें 6 ऐड कर देगा। अगर ये भी मान लीजिए 9 से बड़ा होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा होता ए बी होता एक्यूमुलेटर का कंटेंट, ठीक है, तो ए बी होता तो क्या होता इसमें भी 6 ऐड करता, इसमें भी 6 ऐड करता। ओके और उसके बाद बी सी डी में जो आता वैल्यू उसको यहाँ पे मेंशन किया था। तो अभी मेरे पास क्या है 6B स्टोर है, तो हम इसको बी सी डी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे बी में 6 ऐड करेंगे, बी में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिजल्ट, तो देखिए यहाँ पे जब 6 ऐड होगा तो ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी 11 है, 11 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 17, और ये क्या है हेक्साडेसिमल है तो कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है 16 तक, तो 1 बचेगा 17 का मतलब 1 लिखेंगे और हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 में 1 ऐड होगा कितना 7, तो ये 7 और 1 ये 1 byte और ये 1 byte 2 byte का ये बी सी डी कोड हो गया। ओके तो यानी 6B को जैसे ही आपने डी ए इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट किया, यानी एक्यूमुलेटर में अगर आपका ये स्टोर है आपने उसके बाद डी ए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया तो आपका एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा 71 स्टोर हो जाएगा जो कि 2 byte बी सी डी कहलाएगा। क्लियर, तो यही सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ है, तो मैंने इसको आपको रफली एक एग्जांपल लेके समझा दिया। अब मैं दिखा देता हूँ यही सारा चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख रखा है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारा यही सारा जो चीज़ आपको समझाया अभी मैंने उसी सारे को मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख दिया। देखिए सबसे पहला काम है कि डी ए का मतलब क्या होता है डिसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, और ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा 1 byte का, क्योंकि इसमें ऑपरेंड कुछ नहीं होता, ऑपरेंड ब्लैंक। तो ये ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा, तो कह रहा जब ये ऑपरेशन होगा मतलब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब क्या करेगा ये, तो ये करेगा क्या कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को एडजस्ट करेगा, किसमें 2 BCD नंबर में एडजस्ट करेगा, यानी 2 अलग अलग BCD नंबर में एडजस्ट करेगा 2 byte अलग अलग, ठीक है। अज्यूमिंग दैट क्या अज्यूम करके ये कन्वर्ट करेगा कि पहला वाला जो ऑपरेशन है वो BCD एडिशन, वो अज्यूम ये करेगा कि एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट आया है, जैसे ये जो कंटेंट आया था वो BCD एडिशन होने के बाद आया था, यानी ऊपर वाला जो कंटेंट है वो BCD में जाना था, और इसको भी जो क्या करना है BCD में कन्वर्ट करना है जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या करेगा इसमें 6 ऐड करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देगा 2 byte यानी 2 BCD नंबर में। जैसे इसको किया था अभी हम लोग क्या आया 7-1, तो 7 अलग BCD है, 1 अलग BCD है, तो ये क्या हो गया 2 BCD नंबर में कन्वर्ट कर दिया किसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को।
तो यही चीज़ लिखा जा रहा है। जब ये आएगा तो क्या होगा, सिंपली आपको एक्यूमुलेटर का कंटेंट टू बी सी डी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है फॉर दिस एडजस्टमेंट माइक्रो प्रोसेसर यूजेस टू फ्लैग, कह रहा है कि इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर दो फ्लैग को यूज़ करता है, एक कैरी फ्लैग को और एक ऑक्सिलरी कैरी को। तो इसका यूज़ कहाँ है, अभी मैं हम लोग आगे इसको ही बात कर लेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी कैसे यूज होता है। तो देखिए आगे कह रहा है, नोट में कह रहा है कि डी ए इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट टू कन्वर्ट एक्यूमुलेटर कंटेंट इनटू बी सी डी। कह रहा है डी ए को हम लोग कब एग्जीक्यूट करते हैं, जब एक्यूमुलेटर कंटेंट को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है बी सी डी नंबर में कन्वर्ट होता है, टू बी सी डी नंबर में, इफ एनी ऑफ द टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कह रहा है कब हम लोग इसको कन्वर्ट, कब हम ये कन्वर्शन करेंगे, जब हम लोगों को क्या हो, पहला अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट यानी रिजल्ट में आपका वैल्यू जो आ रहा है वो 9 से ज़्यादा आ रहा है, तब हम लोग डी ए जब एग्जीक्यूट करेंगे तो +6। यानी इसमें कह रहा है कि हम लोग जब भी ऐसा होगा, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है जो 9 से बड़ा है उसमें हम लोग अपने से +6 ऐड करेंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है, अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है, ऑक्सिलरी कैरी कब जनरेट होगा, जैसे मान लीजिए आपका पहला नंबर है 38 और दूसरा नंबर है आपका 29 सपोज़, तो इन दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा, ये हेक्साडेसिमल में इन दोनों को ऐड कीजिए, और 3 को क्या लिखेंगे हम लोग 0011, 8 को क्या लिखेंगे हम लोग 1000, 2 को क्या लिखेंगे 0010, 9 को क्या लिखेंगे 1001 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 110 कैरी 1 हो जाएगा, 110 कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से एक कैरी जनरेट हुआ जो ऊपर की तरफ गया, ये कहलाता है ऑक्सिलरी कैरी। तो इस तरह का अगर आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है डी ए से पहले, डी ए से इंस्ट्रक्शन से पहले अगर इस तरह का एडिशन हो रहा है जिसमें ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, डी ए में जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा जो कि 9 से बड़ा होगा, या फिर 9 से बड़ा नहीं हुआ तब भी ऑक्सिलरी कैरी अगर जनरेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर +6 ऐड करना है ताकि वो कन्वर्ट हो जाए बी सी डी नंबर में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप चेक कीजिएगा कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट 9 से बड़ा है कि नहीं, पहला बात। अगर 9 से बड़ा है तो आप क्या कीजिएगा, +6 ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद उसको बी सी डी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और अगर दूसरी बात, अगर 9 से बड़ा नहीं दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा है कि ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो 9 से बड़ा हो जाएगा। देखिएगा ऑक्सिलरी कैरी जहाँ जनरेट हो रहा है वो नंबर जो रिजल्ट है वो 9 से बड़ा होगा आपका, तो वहाँ पर क्या करेंगे, +6 ऐड करेंगे। देखिए ये एक आपको मैंने प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे डी ए काम करता है। तो देखिए पहला क्या है, एम वी आई A36, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, जाके 36 स्टोर हो जाएगा, 36 को पैनडी में वैसे लिखेंगे। ये क्या है, एम वी आई सी, तो सी में क्या है आपको 14 जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो 14 को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिखेंगे। अब अगला इंस्ट्रक्शन है ऐड सी, तो ऐड सी कहने का मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आपको सी के कंटेंट के, सी रजिस्टर के कंटेंट के साथ ऐड करना है और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट को आपको एक्यूमुलेटर में ले आकर स्टोर करेंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना है, ये 36 है और 14 है, इन दोनों को बाइनरी में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 4AH। ये किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में ले आकर स्टोर हो जाएगा। तो 4A में देखिएगा कि ये वाला क्या है आपका, ऑलरेडी 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है ना, तो 9 से जब बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 6 4 10 जब आप इसमें कीजिएगा, कन्वर्शन कीजिएगा इसमें, तो आपका क्या दिखाई देगा, यहाँ देखिए 110 कैरी 1, तो यहाँ कैरी आपका 1 यहाँ आ गया, तो ये वाला नंबर क्या है आपका, LSB बिट जो है वो 9 से बड़ा है, बड़ा है ना, तो आपकी क्या कीजिएगा, इसमें ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर एडिशन रिजल्ट 9 से बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड कीजिए और कितना, 10 6 16 हो जाएगा, 16 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50H हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही अगला कंटेंट आया है डी ए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मान लीजिए डी ए नहीं रहता, यहीं तक रहता, तो रिजल्ट क्या होता आपका, 4AH हो जाता है एक्यूमुलेटर का, लेकिन आगे में इसके आगे में लिखा गया डी ए, एक इंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया गया, तो डी ए का मतलब क्या हो गया, जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है इसको आप बी सी डी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो बी सी डी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें ये ले गए और उसमें क्या किया, +6 ऐड कर दिया, जो आपका जो नंबर आपका 9 से बड़ा था यानी 10 या 10 से बड़ा था उसमें हम लोग क्या किया, +6 ऐड कर दिया, और उसके बाद जो दो बी सी डी नंबर आया वो कहलाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डी ए इंस्ट्रक्शन, ये कहलाएगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट इन फॉर्म ऑफ बी सी डी, क्लियर। उसके बाद क्या, हॉल्ट, तो आपका इस टाइम में आपके एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, 50H स्टोर होगा, जो कि बी सी डी फॉर्मेट में होगा, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में नहीं कहलाएगा, सिंपली क्या कहलाएगा, ये बी सी डी फॉर्मेट में कहलाएगा, लेकिन नंबर तो हेक्साडेसिमल है लेकिन फॉर्मेट कौन सा होगा, बी सी डी का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी डी ए एग्जीक्यूट होगा तो सिंपली क्या करना है, देखना है कि आपका एक्यूमुलेटर में कौन सा बाइट, यानी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, जनरली 2 बाइट का, सॉरी 2 बाइट का डेटा होगा कोई ना कोई एक्यूमुलेटर में, तो 2 बाइट में से कौन सा बाइट आपका 9 से बड़ा है, जो 9 से बड़ा होगा उसमें +6 ऐड कर दीजिएगा, अपने आप बी सी डी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका डी ए ए।
आगे चलें तो देखिए आगे बहुत छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन, ये दोनों तो बहुत छोटा है, बेसिक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इसको तो एक बार में खत्म हो जाएगा। मेनली इसमें हम लोगों को पढ़ना था दो, डैड और डी ए के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये क्या है, अगर कहीं पे एस टी सी दिखाई दे इसका मतलब होता है सेट कैरी फ्लैग। तो कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए, अगर मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले आपका आया एड बी, उसके बाद लिखा हुआ है एस टी सी, तो यहाँ तक मान लीजिए अगर आपका कैरी फ्लैग जीरो है, अगर कैरी फ्लैग जीरो है और ये इंस्ट्रक्शन आ गया, तो इसका मतलब होता है कैरी फ्लैग को सेट कर दीजिए। सेट का मतलब कैरी फ्लैग अब वन हो जाएगा, सेट कैरी का मतलब कैरी फ्लैग अब वन हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पहले से वन होता तब भी क्या हो जाएगा, ये वन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से जीरो है तो यहाँ वन हो जाएगा चेंज होकर, क्लियर, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब। अब उसी तरह से सी एम सी, सी एम सी का मतलब होता है कम्प्लीमेंट, सी से कम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, कम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग का मतलब जो भी कैरी है उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, यही वाला ले चलते हैं ऐड भी था, और उसके बाद आपका एक इंस्ट्रक्शन आ गया सी एम सी, और यहाँ पर कैरी क्या था आपका जीरो था, तो सी एम सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अगर वन होता और ये सी एम सी हो जाता तो यहाँ पर क्या होता है, ये जीरो कर देता, यानी उल्टा करेगा, जबकि इसमें उल्टा नहीं करेगा, इसमें क्या है हमेशा और हमेशा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये सेट करेगा कैरी को, जबकि ये कॉम्प्लीमेंट करेगा यानी चेंज कर देगा कैरी को। तो याद रखिएगा एबव टू इंस्ट्रक्शन अफेक्ट ओनली कैरी फ्लैग, ये दोनों क्या करता है कैरी फ्लैग को ही अफेक्ट करता है, एक क्या करता है कैरी फ्लैग को वन कर देता है हमेशा, हमेशा के लिए वन कर देगा, और एक क्या करेगा सी एम सी का मतलब, कहने का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो भी पहले का कैरी होगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, अगर जीरो होगा तो वन कर देगा और अगर वन होगा तो ये जीरो कर देगा। आई होप आपको ये दोनों एकदम छोटा सा इंस्ट्रक्शन था बेसिक सा, ये तो आसानी समझ में आ गया। ओके, मेनली था इसमें समझाना मुझे डी ए और डी ए डी को, तो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, आई होप वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिंपली डैड में क्या था एच एल पेयर को रजिस्टर पेयर के साथ ऐड करना था, और डी ए में क्या करना था एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी सी डी के कंटेंट में कन्वर्ट कर देना था, उसमें के उसके लिए क्या करते थे, अगर 9 से बड़ा है तो उसमें 6 ऐड कर दे रहे थे और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा था। चलिए अब हम लोग देखने आते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, और जो अब तक आपने जितना भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा, यानी पूरा 8085 में जितना भी इंस्ट्रक्शन पढ़ा ना, सबका ये कंक्लूजन है, यानी पूरे आपका 8085 मैंने कहा कि 70% सिलेबस को कवर करता है, तो ये आपका प्रोग्रामिंग अकेले उस 70% मतलब जो कवर किया सिलेबस उसके पूरे कॉन्सेप्ट को लगभग यूज़ कर लेता है। तो अगर आपने इस प्रोग्रामिंग को खुद से रन कर लिया और सही आंसर टिक कर दिया तो मैं मान लूँगा कि आपको 8085 अच्छे से समझ में आ गया, यानी फुल्ली आपको कमांड हो गया 8085 पे, आप कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। तो आपको ये प्रोग्राम एक बार नहीं बल्कि 10 बार समझना है, कितनी बार 10 बार, एक बार में मान लीजिए समझ में नहीं आया, आपको 10 बार इस वीडियो को देखना है, इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए कोशिश करना है, तब ये समझ में आ जाए, तब समझ जाइए आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया, हर एक मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद क्या आउटपुट आएगा आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एच एल पेयर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, कह रहा है एच एल पेयर में क्या स्टोर होगा अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो। साथ में यहाँ पे एक दिया हुआ है कि मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है, मेमोरी लोकेशन देखिए यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है, एड्रेस है मेमोरी का, ओके, और ये क्या है आपका उसके अंदर स्टोर डेटा है, ओके, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मतलब इसको इसको इस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन है। तो पहला देखिए कह रहा है एल एच एल डी 3000, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लोड करना है, इसका मतलब होता है लोड डेटा, लोड डेटा कहाँ से, इस एड्रेस से डेटा को लोड कीजिए, कहाँ एच एल पेयर में लोड कीजिए, इसका मतलब ये होता है इस इंस्ट्रक्शन का। आपको पता है मैंने ये इंस्ट्रक्शन बताया ऐसे पहले वाले में, ओके, जिसमें बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एच एल पेयर, ठीक है, एच एल पेयर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर ये मैंने इंस्ट्रक्शन को बताया था एल एच एल डी 3000, यानी कि क्या करना है आपको एच एल पेयर को लोड करना है, जो गिवेन ऑपरेंड में एड्रेस है वहाँ पर जाना है और उसमें जो डेटा स्टोर है उससे एच एल पेयर को लोड करना है। तो 3000 पे हम लोग को जाना है, तो 3000 पे हम लोग चले जाएँ, तो देखिए तो मेमोरी लोकेशन में 3000 पे क्या स्टोर है, तो 3000 पे आपका जो स्टोर है वो क्या है आपका 3000 पे 02 स्टोर है, ये स्टोर है, जबकि 3001 पे क्या है 30 स्टोर है। तो आपको क्या कह रहा है 3000 पे जाइए, 3000 पे जो एड्रेस होगा वो किस में जाएगा, एच एल में, एच और एल दोनों 8-8 बिट का है, तो एक 8 बिट डेटा इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, तो कौन वाला इसमें 3000 कौन कौन डेटा स्टोर होगा, तो ये वाला भी स्टोर होगा और ये वाला भी, क्यों, क्योंकि एक तो 8 बिट का डेटा एच में जाएगा, एक एल में जाएगा, तो मैंने बताया था कि एच में कौन जाएगा एल में कौन जाएगा, तो हमेशा जो मेमोरी लोकेशन में, जो मेमोरी में हाइयर लोकेशन पे होता है वो एमएसबी में जाता है, ओके, यानी हाइयर रजिस्टर में जाता है, और जो आपका लोअर मेमोरी लोकेशन पे होता है वो क्या जाता है लोअर रजिस्टर में जाता है। जैसे बीसी में आपका बोले कि हाइयर वाला रजिस्टर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोअर वाला सी हो जाएगा, डी में बोले तो कौन हो जाएगा, डी हाइयर लोकेशन वाले डेटा को स्टोर करेगा, ई क्या करेगा लोअर मेमोरी लोकेशन वाले डेटा को स्टोर करेगा, वैसे ही एच वाले में क्या होगा एच हायर मेमोरी लोकेशन वाले को स्टोर करेगा, एल क्या करेगा लोअर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल में क्या स्टोर होगा, एल में स्टोर होगा आपका 02,
क्योंकि ऊपर वाला लोअर है और नीचे वाला क्या 3001 है, ये 3000 है, ये 3001 है, तो 3000 बढ़ा है कि 3001, तो 3001 बढ़ा है, यानी ये हाइयर बिट है, ये जाएगा एच में। तो अब एच एल का क्या वैल्यू हो जाएगा, 3002, ये एच एल का वैल्यू हो जाएगा। तो यही कह रहा है, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपके एच एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3002। पहला बात समझ में आया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलना है, हर एक इंस्ट्रक्शन को मतलब समझना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और उसके रिजल्ट को बताना है क्या होगा, तब आपको समझना आएगा। ओके, तो पहला हो गया कि एच एल में क्या स्टोर होगा, 3002, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा। अगला क्या है, मूव ई कॉमा एम। तो कह रहा है एम क्या पॉइंट करता है, एम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, जो जिसका एड्रेस कहाँ होता है, जिसका एड्रेस एच एल पेयर के अंदर होता है। तो एच एल पेयर के अंदर क्या है, देखिए तो एच एल पेयर के अंदर है 3002 है, तो एच एल पेयर के अंदर अगर 3002 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ पे जो कंटेंट है उसको क्या करेंगे, ई रजिस्टर। ई क्या है, 8 बिट का रजिस्टर है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रजिस्टर, कौन मतलब रजिस्टर पेयर का बात करेंगे तो क्या होगा, वो 16 बिट का होगा। सिर्फ रजिस्टर की बात करेंगे तो 8 बिट का होगा। डी ई अगर होता, डी या डी लिखा होता तो मतलब 16 बिट, यहाँ सिर्फ ई लिखा हुआ मतलब 8 बिट। 8 बिट में क्या स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा, कहाँ का, मेमोरी लोकेशन पे। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ होता है, एच एल में। तो एच एल का एड्रेस क्या है, 3002। तो हम लोगों को पहले एच एल के एड्रेस पे जाना होगा। तो 3002 कहाँ है, यहाँ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 00, डेटा क्या है 00। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा ई में। तो आपका ई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अभी ई के अंदर स्टोर हो जाएगा 00H, जब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो। क्लियर, अब आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अब INX H, INX क्या करता है, जो भी रजिस्टर पे होता है उसके कंटेंट को एक से बढ़ा देता है। तो INX के बाद क्या है, कौन सा रजिस्टर पे है, एच है, एच का मतलब HL, क्योंकि ये रजिस्टर पेयर के बारे में बात करता है। जब भी X होता है लास्ट में तो याद रखिएगा वो रजिस्टर पेयर के बारे में बात करता है, उसके ऑपरेंड में हमेशा रजिस्टर पेयर होगा, X जब भी होगा लास्ट में। तो जैसे देखिए INX हो गया, जैसे LDAX हो गया, INX हो गया, ये सब जो देख रहे हैं इसमें रजिस्टर पेयर के बारे में बात हो रहा है, रजिस्टर पेयर का कंटेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो HL में एक बढ़ाना है, तो HL का कंटेंट क्या है, पहले से HL में क्या स्टोर है, 3002। अब HL में क्या स्टोर हो जाएगा, HL में स्टोर हो जाएगा 3003 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ाना है, हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूव डी कॉमा एम। डी कॉमा एम का मतलब हो गया मेमोरी लोकेशन को जाना है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ होगा, HL में, यानी इस मेमोरी लोकेशन 3003 पे जाना है, और जो भी उसके अंदर है उसको किस में स्टोर करना है, डी में स्टोर करना है। ये क्या होगा, ये 8 बिट का डेटा होगा, सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ से निकाल के कंटेंट को ले जाके डी में स्टोर कर देना है। तो 3003 पे चलते हैं, 3003 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसका कंटेंट क्या है, 30 है, तो 3000 का कंटेंट डी में जाएगा, तो डी में क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा, 30H हो गया। अब कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ मूव डी कॉमा एम, तो सिंपली क्या है, मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है वो डी में मूव कर गया। तो मेमोरी लोकेशन क्या था, 3003, उसका कंटेंट क्या था, 30 किस में मूव कर गया, डी में मूव कर गया। ओके, आगे चलते हैं, LDAXD, इसका मतलब क्या हो गया, LDAX मतलब ये जो होगा रजिस्टर पे होगा, X है, इसलिए ये आगे डी जो होगा DE के बारे में बात हो रहा है। तो इसके कंटेंट को, यानी DE के कंटेंट को एक बढ़ाना है, तो DE में क्या होगा, देखिए DE का कंटेंट है 30 और E का कंटेंट है 00, तो DE क्या हो जाएगा, DE 30 ये हो गया, 00 ये हो गया, तो DE क्या कहलाएगा, 3000H, ये एड्रेस होगा DE में। तो कह रहा है इस एड्रेस पे जाइए और जाने के बाद जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है उसको कहाँ मूव करा दीजिए, एकोमुलेटर में मूव करा दीजिए, यही मतलब हो गया। LDAXD का मतलब DE के कंटेंट को एकोमुलेटर में मूव करा दीजिए। तो 3000H पे जाइए, उसके अंदर क्या है, 02 है, इसको कहाँ मूव करा दीजिए, एकोमुलेटर में। तो एकोमुलेटर में कितना स्टोर हो जाएगा, 02H स्टोर हो जाएगा इसके एग्जीक्यूट, इसके इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। क्लियर, आगे चलें, देखिए आगे में क्या है, L, A। L, A का मतलब A में जो कंटेंट है उसको L में मूव करा दीजिए। तो सिंपली L में कितना हो जाएगा अभी स्टोर, 02H हो जाएगा। आगे चलते हैं, INXD, तो INX जहाँ आता है मालूम है कि रजिस्टर पेयर होगा आगे, तो DE को एक से इंक्रीज कर दीजिए। तो DE में क्या स्टोर है, 3000 स्टोर है, उसमें एक बढ़ाना है, तो मतलब 3001 हो जाएगा अब DE के अंदर। क्लियर, अब आगे चलते हैं, लास्ट LDXB, LDXD, इसका मतलब क्या हो गया, आपका DE के अंदर जो भी है डेटा उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। तो अब DE के अंदर क्या है लोकेशन, 3001 है, 3001 पे जाना है, तो 3001 पे गए, जाने के बाद इसके अंदर क्या स्टोर है, 30 को किस में मूव कराना है, एक्यूमुलेटर में। तो अब एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा, पहले क्या था 02, अब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आगे आते हैं लास्ट, ये क्या है, मूव H, A, यानी A के कंटेंट को H में मूव करा दी। तो अब H में यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा H में, क्योंकि A के कंटेंट को H में मूव करा देना है। उसके बाद हॉल्ट मतलब रुक जाइए। तो अब देखिए ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हम लोगों को देखना है कि HL के अंदर क्या आपका स्टोर हुआ।
तो एच में स्टोर हुआ 30, ओके, और एल में क्या स्टोर हुआ 02 लास्ट में, तो एच एल कंबाइंड रूप से अब क्या हो जाएगा, एच एल में स्टोर हो जाएगा 30 02 H, ये हो जाएगा एच एल पेयर का कंटेंट, ओके। तो ये था आपका ये कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें फुल कॉन्सेप्ट है, हर एक इंस्ट्रक्शन को घुसाया गया है इसमें, और ये देखने के लिए घुसाया गया ताकि कि आपको माइक्रोप्रोसेसर समझ में आया कितना। अगर आप इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको माइक्रोप्रोसेसर समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो मतलब अभी भी आपको इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन को फिर से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसका देख लिए रिजल्ट कि 30002 आया है इसका रिजल्ट। तो हम लोग इसको क्या किए हैं, मैंने इसको ऑलरेडी आपके लिए बना के सेव करके रख दिया है ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आपको बना बनाया मिल जाए। तो ये देखिए रिजल्ट क्या आया आपका, 30002H ये रिजल्ट आ गया। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से समझ में आया। एक रिमेनिंग प्रोग्राम बचा हुआ है, अभी मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ अगले प्रोग्राम को। तो आई होप आप जिस स्टूडेंट को भी ये अगर प्रोग्राम कंप्लीट समझ में आ गया तो मैं उसको ये उसके साथ मैं बेट लगा सकता हूँ कि उसको पूरा के पूरा माइक्रो प्रोसेसर उस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि जिस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट अगर इंस्ट्रक्शन जितने भी इंस्ट्रक्शन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर में वो सारे इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया तभी वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा और सही से रिजल्ट ला पाएगा। तो उसने अगर एग्जीक्यूट कर दिया प्रोग्राम को सही तरीके से और रिजल्ट सही तरीके से फाइंड आउट कर रहा है, मतलब उसको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जितना भी इंस्ट्रक्शन पढ़ाया गया सारे का मतलब उसे अच्छे से समझ में आ गया और उसे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना आ गया, यानी अब वो कैपेबल है किसी भी प्रोग्रामिंग को असेंबली लैंग्वेज में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज कर दिया है आपके लिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाएँ। एक्चुअली में ये गेट का क्वेश्चन था पूछा हुआ, ठीक है, जिसमें बहुत मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था और आपको ये बताने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है सारे इंस्ट्रक्शन का मतलब समझना, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो भी बहुत हाँ। तो सेकेंड प्रोग्राम है उसी से रिलेटेड, जो पहला हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़ा था उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कंक्लूड किया था, सेकेंड भी हम लोग क्या कर रहे हैं और जो एडवांस इंस्ट्रक्शन है उसको मिक्स करके ये प्रोग्रामिंग बनाया गया है सेकेंड वाला एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे बहुत सारे नए इंस्ट्रक्शन को जैसे SPHL, XTHL, ठीक है, इसके बेसिस पे ये वाला प्रोग्राम लिखा गया। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है अगर आप टोटली मतलब कंक्लूड करके पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं इन दोनों प्रोग्राम को और अपने से एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं तो मतलब आपको टोटल इंस्ट्रक्शन जो है 8085 का वो अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन आपको ठीक से समझ में नहीं आया है जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। तो पहला मेरा यही सजेशन है कि सारे इंस्ट्रक्शन को जब पढ़ लें तो हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ एग्जांपल में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ओके। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखने का जो स्किल है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सारा इंस्ट्रक्शन आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसका आंसर बता पा रहे हैं तो मतलब आपको क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग दिया जाएगा तो आप प्रोग्राम भी आराम से लिख पाएंगे। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना आ गया तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम लिखना भी आ गया सिंपली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस इंस्ट्रक्शन में देखिए, इस प्रोग्रामिंग में ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है, पहला बेसिक एग्जांपल LHLD, SPHL, XTHL, SHLD, एक्सचेंज, लोड, सेट कैरी एंड ऐड विथ कैरी, ये इतना सारा इंस्ट्रक्शन को मिला के ये प्रोग्राम बनाया गया। साथ में यहाँ मेमोरी लोकेशन मेंशन किया गया कि ये मेमोरी लोकेशन जो है वो इस डेटा को स्टोर कर रहा है, यानी गिवन मेमोरी लोकेशन है जिसका यूज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में करेंगे। तो देखिए मेमोरी लोकेशन कौन कौन सा है, मेमोरी लोकेशन है पहला मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, 0A00, ठीक है, इस पर क्या स्टोर है, 02H स्टोर है। फिर अगला 0A01, उस पर 0 है, सेम इस पर पहला वाला जैसे एग्जांपल देखा था मेमोरी लोकेशन कुछ स्टोर था यहाँ भी स्टोर है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इंस्ट्रक्शन से, पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या देगा, LHLD कह रहा है, इसका मतलब ये होता है लोड HL पेयर डायरेक्ट, यानी HL पेयर में डायरेक्ट डेटा लोड कीजिए, कहाँ से उठा के, इस मेमोरी लोकेशन पर जाइए, इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा है उसको HL पेयर में उठा के लोड कर दीजिए। तो हम लोग इस मेमोरी लोकेशन को देखेंगे कहाँ है 0A00, तो 0A00 यहाँ पे है, इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर लोअर यानी कि LSB और MSB के बारे में बात करेंगे तो लोअर मेमोरी लोकेशन पर जो स्टोर है वो 02 स्टोर है, हायर मेमोरी लोकेशन पर जो स्टोर है वो 0A स्टोर है। तो आपका H में क्या जाएगा, L में क्या जाएगा, तो H में हमेशा हायर लोकेशन वाला जाता है, तो H में जाएगा 0A, ओके। L में क्या जाएगा, L में जाएगा 02। तो यहाँ जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका HL पेयर में क्या स्टोर हो जाएगा, HL पेयर में स्टोर हो जाएगा आपका 0A02 स्टोर हो जाएगा, इतना H हेक्साडेसिमल एड्रेस, क्लियर। यानी जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या होगा, HL में डेटा लोड होगा किसका, इस मेमोरी लोकेशन का, इस मेमोरी लोकेशन पर जाना है और इस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है उसको उठाना है, HL पेयर में मूव करा देना है।
तो एच एल पेयर में जब मूव कराएंगे तो हाइयर जो डेटा होगा, हाइयर मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा लिखा हुआ होगा वो एच में मूव करेगा, और जो लोअर मेमोरी लोकेशन पे होगा वो कहाँ मूव करेगा, एल पे मूव करेगा। सेकेंड वाला इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, एस पी एच एन, इसका मतलब ये होता है कि कॉपी कीजिए एच एल पेयर के कंटेंट को किस पे, स्टैक पॉइंटर पर। तो अब क्या हो जाएगा, एच एल पेयर में क्या है, 0A02 है पहले से स्टोर है, ये कहाँ चलाएगा, स्टैक पॉइंटर पे चलाएगा, 0A02H। तो अब बोलिएगा सर एच एल पेयर पे अब क्या रहेगा, तो सिंपली अभी ये क्या कॉपी होता है ना कि मूव कर जाता है, कॉपी हुआ यानी एच एल पेयर पे जो भी कंटेंट था उसको कॉपी कर दीजिए, उसका एक कॉपी बना के स्टैक पॉइंटर पर रख दीजिए। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आगे चलें, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज, एक्स टी एच एल का इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज टॉप ऑफ द स्टैक विथ एच एल पेयर। तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन दिखाता है, टॉप ऑफ द स्टैक बताता है, स्टैक पॉइंटर बताता है कि टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पे है। तो स्टैक पॉइंटर क्या शो कर रहा है, 0A02 यानी टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, 0A02, ठीक है यहाँ पे है। इसका मतलब हो गया एच एल पेयर को टॉप ऑफ द स्टैक पे कॉपी कर दीजिए, एच एल पेयर को टॉप ऑफ द स्टैक पे कॉपी कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी जब करेंगे एच एल पेयर को टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 0A02 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0A और यहाँ आ जाएगा 02, नया नया वैल्यू यानी न्यू, ये ओल्ड मेमोरी लोकेशन है, ये ओल्ड मेमोरी लोकेशन है और ये न्यू मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। साथ में क्या है, एच एल पेयर पे क्या लाना है आपको, तो एच एल पेयर पे क्या कॉपी करना है, ये कह रहा है एच कॉपी एच एल पेयर टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक को एच एल पेयर पे, एच एल पेयर को टॉप ऑफ द स्टैक पे, इस दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी पहले से टॉप ऑफ द स्टैक क्या इंडिकेट कर रहा था, 0A02 इंडिकेट कर रहा था, अब हम लोग 0A02 पे गए तो क्या क्या आपका मतलब डेटा था वहाँ पे, वहाँ पे डेटा था 0A00 था, ये किस पे चला जाएगा, ये एच एल पे चला जाएगा, यानी जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है वो एच एल पे चला जाएगा। तो अभी एच एल पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच एल पे आ जाएगा 0A02H आ जाएगा ना, जबकि आपका एच एल पेयर का कंटेंट कहाँ चला जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे। एच एल पेयर का कंटेंट क्या था, 0A02, वो कहाँ चला गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे, देखो 0A यहाँ आ गया, 02 यहाँ आ गया, क्लियर। तो ये तीन लाइन क्लियर हो गया इंस्ट्रक्शन का, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किसका क्या मतलब। इसका मतलब हो गया था क्या, कॉपी करना था एच एल पेयर के कंटेंट को स्टैक पॉइंटर पर, तो कॉपी कर दिया गया। इसमें क्या करना, एक्सचेंज करना है, कॉपी नहीं करना बल्कि एक्सचेंज करना है, एक दूसरे के डेटा को एक्सचेंज करना है, एच एल के कंटेंट को उठा के टॉप ऑफ द स्टैक पर रखना है और टॉप ऑफ द स्टैक के कंटेंट को उठा के एच एल पर रखना है। तो यही चीज़ किया गया, पहले टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ था, यहाँ पे है टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है, तो इस पे जो कंटेंट है वो क्या है, 0A00, इसको उठा के कहाँ भेजना है, एच एल पे। तो एच एल पे क्या चला गया आपका, 0A00 चला गया, एच एल पे क्या चला गया, 0A00 चला गया। और साथ में आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या चला गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे चला गया आपके एच एल का कंटेंट। तो एच एल का कंटेंट क्या था, 0A02 था, जो यहाँ आ गया 0A02, क्लियर। आगे चलते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, बस स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे इसमें ध्यान से समझिएगा, सारा पॉइंट समझ में आएगा। ये कह रहा है कि स्टोर कीजिए एच एल पेयर को, अब स्टोर कीजिए ले आके 0A00 पे, यानी 0A00 मेमोरी लोकेशन पे जाइए और एच एल में जो भी है उसको रख दीजिए। तो 0A00 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे रखना है एच एल के अंदर जो है, एच एल के अंदर क्या है, 0A00 है, तो इसको ले जाके यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे जब रख देंगे तो नया वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0A और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 00, ठीक है। पहले से क्या था, 0A02 था, अब नया वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो जाएगा 0A00। यहाँ पे पहले से क्या था, 0A00 था, अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, 0A02। यानी चारों वैल्यू चेंज कर गया मेमोरी लोकेशन का, पहले जो मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू रखा हुआ था अब सब नया ये हो गया, क्लियर। आगे चलें, चलिए ये क्या कह रहा है, एक्सचेंज, इसका मतलब होता है एक्सचेंज डी विथ एच एल पेयर, मतलब डी का डी रजिस्टर पेयर में एच एल रजिस्टर पेयर का वैल्यू को एक्सचेंज कर दीजिए। तो डी पहले से तो कहीं पर है नहीं, तो डी में जब कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या होता है, रजिस्टर खाली होता है, मतलब क्या होता है, 0000 होता है, इसको एक्सचेंज कर देना है, मतलब जीरो। अब क्या है, डी को एक्सचेंज कर देना किससे, एच एल से। तो अब डी के अंदर क्या चला जाएगा, जो एच एल के अंदर है, एच एल के अंदर क्या है, 0A00, तो डी के अंदर चला जाएगा 0A00 चला जाएगा। ये किसके अंदर चला जाएगा, डी के अंदर, जो एच एल का वैल्यू था वो डी के अंदर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के अंदर हो जाएगा 0A00 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए इसमें देखिए ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है लोड कीजिए एक्यूमुलेटर को एक्स, देखिए हमेशा कहा है कि एक्स जब लास्ट में रहेगा मतलब आपका आगे वाला जो है वो रजिस्टर पेयर है। ये मैंने क्लियर कहा है कई बार आपको कि जब भी आपको एल डी एक्स लिखा रहा है, एल एक्स ए लिखा रहा है, तो साथ में जहाँ पे लास्ट में देखिएगा जो भी एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है मतलब क्या है, वहाँ पे आपके आगे में जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर पेयर है, रजिस्टर नहीं बल्कि रजिस्टर पेयर है। तो ये डी का मतलब रजिस्टर नहीं है बल्कि रजिस्टर पेयर, यानी डी को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखिए कह रहा है कि यानी रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस है
वहाँ पे जाइए, उसका कंटेंट को उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कर दीजिए। तो हम लोग डी ई का देखेंगे क्या है, रजिस्टर पेयर में एड्रेस क्या है, तो 0A00 है। इसमें से क्या करेंगे, 0A00 पे जाएंगे, 0A00 पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ आने के बाद इसमें जो भी कंटेंट है यहाँ पे, उसको उठा के एक्यूमुलेटर में मूव कराइए। तो एक्यूमुलेटर 8 बिट है, तो एक ही 8 बिट में डेटा मूव करेगा। तो 8 बिट डेटा कौन है इसमें, 0A00 पे कौन सा 8 बिट डेटा है, 00 है। ये नहीं नया डेटा, ये ना है पुराना डेटा, ये था 02 क्या था, पुराना था, अभी नया क्या हो गया एक्सचेंज करके 00 हो गया। तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा आपका, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 00H, ये स्टोर हो जाएगा। हो गया, आगे चलें। आगे कह रहा है सेट कैरी फ्लैग, यानी कैरी फ्लैग पहले से क्या होगा, 0 होगा, अब उसको क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, सेट कर दीजिए, ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है ऐड, किसको ऐड करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को किसके साथ, डी के साथ ऐड कीजिए। ये डी ई नहीं है बल्कि डी है, ठीक है। तो कह रहा है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डी रजिस्टर में जो स्टोर है वो कंटेंट साथ में कैरी फ्लैग के साथ ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आए वो बताइए। तो देखिए एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, 00 है, यहाँ पे देखा 00 है। डी के अंदर क्या होगा, तो देखिए डी ई के अंदर है 0A00, तो ये वाला किसके अंदर, इतना ये किसके अंदर होगा, ये ई के अंदर होगा, ये डी के अंदर होगा, ये नहीं है, डी ई मिल के है, रजिस्टर पेयर है। तो डी के अंदर क्या हो जाएगा, डी के अंदर हो जाएगा 0A स्टोर, और ई के अंदर क्या हो जाएगा, 00। तो यहाँ पे डी के वैल्यू को पूछा जा रहा है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 0A, ठीक है। तो 0A यहाँ हो गया, कैरी का वैल्यू क्या है, कैरी का वैल्यू 1 है। ये तीनों को जब ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0B, ये हो जाएगा 0B, ये आपका आंसर हो गया 0BH। एच तो हेक्साडेसिमल बता रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपको पूछा गया था एक्यूमुलेटर के मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी पूरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट होगा A+D+CY, यानी एक्यूमुलेटर और डी रजिस्टर और कैरी को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना, यानी 0B जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा, 0BH। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, और इसको मैंने क्या किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के अच्छे से डिटेल में समझाया है। आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को भी GNU, ये दोनों जो प्रोग्राम है उसको भी GNU सिमुलेटर पर ले जाना है और वहाँ जाके एग्जीक्यूट करना है स्टेप बाय स्टेप, और एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि आपका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, आपका रिजल्ट इसी अकॉर्डिंग आता है कि नहीं। एक चीज़ वहाँ मैं बता देता हूँ, GNU सिमुलेटर पर आप जाइएगा जब, तो वहाँ मेमोरी लोकेशन जब देखिएगा तो वो मेमोरी लोकेशन हेक्साडेसिमल जो एड्रेस है वो एड्रेस जो है आपका 000 से स्टार्ट होकर हेक्साडेसिमल में तो गया है 0329 तक, और डिसिमल में जो गया है वो है 999 तक। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेमोरी लोकेशन जो GNU सिमुलेटर पे है उसका एड्रेस स्टार्ट हुआ है 000 से, एच से, ठीक है। और ये बढ़ते 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 कहाँ गया है, 0329H तक शायद गया है, यानी इसके बीच में जब जाइएगा तो इसके बीच में कहाँ से डिसिमल पे कहाँ वैल्यू है, 0 से लेकर 999, यानी आपको 1000 मेमोरी लोकेशन दिया हुआ है GNU सिमुलेटर में कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। तो आप अगर ये वाला लोकेशन खोजिएगा 0A00 कहाँ है तो उसमें नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि 0A तक जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेटा उठाना पड़ेगा। ये तो अगर मान लीजिए आप बात करेगा 000A से लेके FFF, यही ना मैक्सिमम हो गया, इसके बीच में कितना आएगा, तो इसके बीच में आएगा 65536 मेमोरी लोकेशन आ जाएगा, इतना। तो इतना बड़ा अगर मेमोरी लोकेशन दिया जाता है उस सिमुलेटर में तो उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता, सोचिए वो 18MB का फाइल ही है, मतलब जो आपका सिमुलेटर है वो 18MB का ही है, तो 18MB कितना छोटा हो गया। अगर मान लीजिए इतना मेमोरी लोकेशन को बढ़ाना पड़ता, उतना पोर्ट एड्रेस को बढ़ाना पड़ता पूरा करने के लिए, तो बहुत बड़ा हो जाता, क्रिटिकल हो जाता। इसीलिए उसने क्या किया, मेमोरी लोकेशन मतलब जितना यूज़ हो सके मैक्सिमम वो दे दिया है 0 से 1000 के बीच में। तो आप जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे देंगे 0A00 के ना देखें, बल्कि आप मान लेंगे यहाँ पे क्या कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन 001 से, 001H से। यहाँ पे क्या है, 0A00 की जगह पे क्या कर देंगे, 0100H, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा भी चेंज कर देंगे अंदर का। यहाँ हो जाएगा 00, यहाँ हो जाएगा 00, यहाँ हो जाएगा 01, क्लियर। ये सॉरी, यहाँ हो जाएगा 02, ये 001 से गया ना, तो 001 से जाइएगा 001, 002, 003, 004 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 003। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 00 और यहाँ हो जाएगा 01, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये जो भी वैल्यू आप चेंज कीजिएगा मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज कीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन में कहा गया है जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग आप मेमोरी लोकेशन को एडजस्ट कीजिएगा और इसके बाद एग्जीक्यूट कीजिएगा। ये ना कि इसी को मेमोरी लोकेशन को खोजने लगे वहाँ जाके और मिल नहीं रहा, सर आप तो बोले थे कि आप मिल जाएगा, यहाँ मिल नहीं रहा। पहले ही मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ क्लियर, कि जब भी उस सिमुलेटर को यूज़ कीजिएगा तो याद रखिएगा कि मेमोरी लोकेशन वहाँ उसमें जो है वो 00 से लेकर कहाँ तक है, 999, यानी 1000 मेमोरी लोकेशन को वहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको थियोरेटिकली मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है यह प्रोग्राम। वहाँ पे आप प्रैक्टिकली कोई और डेटा वैल्यू को लेके, कोई और मेमोरी लोकेशन को लेके सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। ओके,
मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ उस पर भी ले आके, लेकिन मेरे पास टाइम क्या है, आपको आगे भी बहुत सारा टॉपिक को कवर करना है, मुझे 8086 भी कवर करना है और माइक्रो कंट्रोलर भी कवर करना है, तो मैं उस पर ध्यान देना चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस फिनिश हो सके। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।